असम का आज का बेसिकली व्लॉग ये है कि हमने सबसे पहले ग्रेजर जाना है विच इज लोकेटेड एट मॉल वन। ये बेसिकली गनाश होता था पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट, अब ग्रेजर हो गया हुआ है। उन्होंने अभी एक बर्गर लॉन्च किया है तो वो ट्राई करेंगे साथ में। उसके बाद हमने जाना है बर्गर लैब। बर्गर लैब की कुछ स्पेशलिटीज हैं जैसे बर्गर लैब का नुक्कड़ बर्गर बहुत मशहूर है, वो हम खुद बनाएंगे, एक एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद हमने जाना है स्वीट क्रीम। स्वीट क्रीम के सबको पता है लाहौर में वन ऑफ द फाइनेस्ट आइसक्रीम ब्रांड्स है जो बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी कर चुका है लाहौर से बाहर भी, अब पूरे पाकिस्तान में उनकी ब्रांच। उनकी कुछ स्पेशलिटीज हैं जैसे ब्राउनी विद आइसक्रीम उनकी स्पेशलिटी है, तो वो बनाएंगे और वो ट्राई करेंगे। ये हम मॉल वन में आ गए हैं। तो ले जी हम ग्रेजर्स आ गए हैं और वो जो बर्गर था जिसका मैंने आपको बताया उसका नाम है बाजीगर, तो आए ट्राई करते हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इसके ऊपर चीज सॉस डालते हैं, साथ में फ्राइज है, केचप है, कोल्सलो है, इसके अंदर इनकी चीज सॉस थी ऊपर डाल दी हमने, एक दफा बाइट ले ली हुई वैसे तो। साथ में ही हमने इनकी डिश ऑर्डर की है मेन कोर्स में से, विच इज ग्रिल्ड चिकन स्टफ्ड विद राइस टॉप्ड विद सॉस। इसका नाम है थैंक्सगिविंग चिकन, के ऊपर लेमन्स हैं। तो लेट्स सी ट्राई करते हैं। ये देखें कि ये इसके अंदर स्टफ्ड विद राइस, इसकी बाइट लेते हैं। लेमन का टेस्ट है और एक राइस और चिकन का जो कॉम्बिनेशन होता है विद सॉस, इट्स अ गुड डिश जो थोड़ी सी जरा यूनिक भी है। मेरा नहीं हाल ऐसी चीज़ या ऐसी डिश कहीं और लाहौर में मिलती है। ये आए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखें, ये इसका चौथा हिस्सा है, इसके अंदर आइसबर्ग है, चीज़ है, फ्राइड अनियन रिंग्स हैं, सॉस है, टमाटोज हैं, वेजिटेबल्स हैं, अनियन रिंग्स का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो बेस्ट पार्ट है इस बर्गर की जो इसकी चीज सॉस है जो उन्होंने ऊपर भी टॉप की हुई है अंदर भी ऐड की हुई है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर है। मोस्टली लोगों को चीज सॉस नहीं बनानी आती, वो चीज को गर्म करके वैसे दे देते हैं या रख देते हैं, बात तो सही है। तो चीज सॉस की वजह से जो है ना उसकी जो इसकी गेम है वो आप हो रही है। तो ये जी है डिजर्ट। डिजर्ट का कॉन्सेप्ट है कि ये फ्राइड एक कप है स्टफ्ड विद नूटेला टॉप्ड विद आइसक्रीम नूटेला सॉस एंड स्प्रिंकल्स। तो करते हैं ट्राई। वेरी गुड। पहले लोग फ्राइड आइसक्रीम सर्व करते थे तो ये एक अच्छा प्ले है कि आपने फ्राइड कप विद चॉकलेट सर्व करके उसके साथ आइसक्रीम दे दी, ताकि ये है कि डिजर्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रंच का, आइसक्रीम का एंड नूटेला, गुड। तो ले जी अब आ गए हम बर्गर लैब में, तो आए आपको किचन में लेके चलते हैं। ले जी ये पैटी आ गई है, ये बटर पेपर आ गया उसके ऊपर और ये पैटी मेकर, ये सॉल्ट है, ये चीज पैटी आ गई जो इसके अंदर जाएगी और ये फ्रायर में आ गया। ये जी डॉन का बन है सीडेड, हमारे बन हमने टोस्ट कर लिए हैं हॉट प्लेट पे, अब हम आगे इसकी प्रेप स्टार्ट करते हैं। ये आ गई जी एनिमल सॉस इनकी, जी ये चीज पैटी आ गई इधर। लें जी ये पैटी आ गई विच इज 100 ग्राम, ये चीज की पैटी है फ्राइड 40-50 ग्राम, इसके ऊपर कोई 8-10 फ्राइज आएंगे और इसके ऊपर आएगी अब केचप। और लें जी हमारा नुक्कर बीफ इज रेडी। लें जी हम लोडेड फ्राइज बनाने लगे, इनके एनिमल फ्राइज जो हैं कि पहले ब्रेडिंग करते हैं। ये हम डालेंगे इनको पानी के अंदर, के अंदर फ्राइज, और ये हम थोड़े से जरा स्कैटर करके डालेंगे ताकि जरा ये अलहदा अलहदा रहे, और ये फ्रायर के अंदर। तो ये जी लोडेड फ्राइज हैं इनके एनिमल फ्राइज, उसके ऊपर ये चिकन चंक्स आते हैं
और ये हम इसके ऊपर हॉट प्लेट के ऊपर ले आते हैं इसको। ये आगे अनियंस ताकि हम ग्लेज अनियंस बना सकें। ये आगे जी बारबेक्यू सॉस। साढ़े तीन मिनट दिए फ्राइज को और फ्राइज हमारे रेडी हो गए। ये अब फ्राइज के ऊपर आ गया मसाला और ये आ गया सॉल्ट और ये अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें नहीं जी, ये अब हम फ्राइज को बास्केट के अंदर निकालते हैं। ये दो चेडर चीज के स्लाइसेस आ गए, वन एंड टू। फ्राइज को सिलेंडर के अंदर रखेंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए और ये आप देख सकते हैं कि चीज मेल्ट हो चुकी है। ये अब चिकन आ गया इसके ऊपर। ये हम इस तरह से इसको डिवाइड करके सारे फ्राइज के ऊपर ला दें। तो लें जी हमारा ऑर्डर आ गया। मैं हमने बताया था जैसे हमने अपना नौकर बर्गर बनाया, अमल फ्राइज बनाए हैं। बर्गर लैब की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 30 ब्रांचेज हैं, 30 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। वेरी डेंजरस। और मुझे लगता है कि बर्गर लैब के सबसे ज्यादा मशहूर होने की जो दो रीजन थी वो ये दोनों थी। वन इज नौकर विच इज अवेलेबल इन चिकन एंड बीफ बोथ, चूँकि बीफ इनकी स्पेशलिटी है तो हमने बीफ में बनाया। और दूसरा एनिमल फ्राइज, ये लोगों ने इतने ज़्यादा पसंद किए थे कि इन्होंने इसके बाद में इसकी एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म भी लॉन्च की थी विच इज शिकागो फ्राइज। तो ये अब हमने बनाए हैं, ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसे। पर्सनली आज खाने से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ नुकर और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। मुझे लगता है कि इसकी एक ऐसी USP है जो आपको डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट बर्गर्स के अंदर नहीं मिलती। दैट इज़ जो ये चीज़ फ्राइड पैटी ऐड करते हैं इसके अंदर। बीफ की क्वालिटी की बात की जाए तो बीफ ही बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इसका बेस्ट पार्ट है कि जो ये चीज़ वाला ऐड है पैटी की भी, ये एक इसका USP है जो आपको और जगहों पे नहीं मिलेगा। ये बर्गर जो है जितने भी चीज़ लवर्स हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। एज यू कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा सॉसी है, वेरी गुड लोडेड फ्राइज। लोडेड फ्राइज में जो जो फैक्टर्स होने चाहिए, सॉस होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए, कोई मीट ऐड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा सब्जियाँ इन्होंने ऐड नहीं की हुई, ग्लेज नहीं, इनका बड़ा एक अच्छा फैक्टर है और बड़ा एक अच्छा टच है। तो ओवरऑल ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट भी हैं एंड दे आर रिकमेंडेड एज वेल। स्वीट क्रीम आ गया। स्वीट क्रीम इज़ अ ब्रांड 2018 में स्टार्ट हुआ था लव चौक जौहर टाउन लाहौर से और आज माशाल्लाह से इनकी 60 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम आइसक्रीम ब्रांड की बात करें तो कि इससे अच्छी आइसक्रीम और इससे अच्छा आइसक्रीम ब्रांड इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। जितने इकोनॉमिकल प्राइसिंग में ये काम कर रहे हैं ऐसा काम कोई भी नहीं कर रहा। इनकी कुछ स्पेशलिटीज हैं जैसे मैंने आपको बताया था मोल्टन लावा ब्राउनी विद आइसक्रीम, ये ब्लिजर्ड देते हैं, बनाते हैं और फिर उन्हें ट्राई करते हैं। तो ये जी इनकी ब्राउनीज प्रिपेयर्ड हैं। हम सबसे पहले ब्राउनी विद आइसक्रीम बनाने लगे हैं। ये हम यहाँ से एक ब्राउनी लेते हैं, ठीक है, और ये हमने ट्रे में रख दी। 30 सेकेंड्स के लिए वार्म करेंगे और उसके बाद आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करेंगे। तो ये चलेगी इसके अंदर, 30 सेकेंड्स के लिए वार्म हो गई है। हम आइसक्रीम लेते हैं। ट्राई करते हैं। मैं पर्सनली स्वीट क्रीम के अंदर जो मेरी फेवरेट चीजें हैं उनमें से एक ब्राउनी विद आइसक्रीम और चीज केक है। इनका चीज केक वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी गुड और साथ में ये ब्राउनी विद आइसक्रीम बहुत अच्छी है। मैं पहले ट्रिपल फज खाता था, जो लोग चाहते हैं कि कम प्राइस में उन्हें वही सेम चीज मिल जाए कम मीठे के साथ, तो वो ब्राउनी विद आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ ब्राउनी इज वेरी गुड। आइसक्रीम ऑब्वियसली जलाया पहले, आइसक्रीम की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो दोनों को मिला के एंड द प्राइस देयर ऑफरिंग उसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम ब्लेजर बनाने लगे हैं। सबसे पहले इसके लिए आइसक्रीम लेंगे जी। ये इसके बाद आएगा ये ब्लेसिंग कप। ये बड़ी अच्छी डिस्कवरी है। एक्चुअल में एक प्रॉब्लम था, लोगों को ये समझ नहीं आता था कि कैसे हर दफ़ा मिक्स भी किया जाए, सफाई सुथराई का ख्याल भी रखा जाए, तो ये उसके लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो अब इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले एक स्पून आएगा ये किट कैट का, ये हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। ब्राउनी का इन्होंने मैथ बनाया हुआ, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। चॉकलेट फज, तो ये हम इसके अंदर। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ। दिस इज द मेन पार्ट, ये हम इसको मिक्स करें। ये देखें जी, गिर नहीं रहा। आर यू कॉमेडी मी?
ब्लिजर्ड विच इज चॉकलेट एक्सट्रीम, इसके अंदर हमने ब्राउनी ऐड किया है, किटकैट ऐड किया है, चॉकलेट फज ऐड किया. तो ये इन्होंने एक्सट्रीम का मतलब ये है कि तीन चार टाइप्स ऑफ चॉकलेट ऐड करके उसका एक कॉम्बिनेशन बना लिया. तो इसकी बाइट लेते हैं, फुल ऑफ फ्लेवर्स हैं, ब्राउनी आ रही है बीच में, चॉकलेट का क्रंच आ रहा है, फज की हिट आ रही है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. Coming to the chocolate dip cone, सबसे पहले जो स्वीट क्रीम ने स्टार्ट की थी चीजें उनमें से कोन्स थी, चॉकलेट कोन्स जो बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी, इसका ये चॉकलेट वर्जन है. तो ये बनाते हैं, ये वॉफल कोन है, इसके अंदर आइसक्रीम डालते हैं. तो ले जी ये कोन रेडी है, अब इसको चॉकलेट में डिप करते हैं. ये चॉकलेट सॉस बनाई हुई है, इसके अंदर कोन को डिप करते हैं. ये हमने इसे डुबाया, ले जी ये हमारी चॉकलेट कोन रेडी है. कोन आती है, ये देखें कि ये पहले प्रॉब्लम्स हुआ करते थे बचपन के में, कि हम कॉर्नेटो खाते थे या कोई वॉफल कोन खाते थे तो वो नीचे से टूट जाती थी या बिस्किट सॉफ्ट हो जाता, तो ये उससे सेव करने के लिए कोन है. ये हम टिश्यू रख के इसको ट्राई करते हैं. क्वालिटी ऑफ चॉकलेट, मैंने हर चीज़ के अंदर क्वालिटी का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है. जैसे मैं अक्सर इनकी चीज़ें घर में डिलीवर करवाता हूँ, तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई भी ऐसा आइसक्रीम ब्रांड हो जो चीज़ें डिलीवर करते हुए आइस बैग्स भेजता हो. और बड़ी अच्छी इनकी पैकेजिंग है, ये देखें, ये जैसे इनकी पैकेजिंग यहाँ पे मौजूद है, इतने अच्छे बैग्स के अंदर, बैग्स के साथ मैंने आज तक कहीं पर भी चीज़ें डिलीवर नहीं होती देखी. तो ये इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात है और उनके सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है.